हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि 6 बार आपको बोनस दे चुका है। ओके, एवरी ईयर एक बहुत बेहतरीन आपको डिविडेंड देता है। ओके, बट और अभी जो उसका 52 वीक हाई है, जहाँ पर सभी शेयर भाग चुके हैं। पहले फार्मा भागा, फिर आईटी भागा, फिर फाइनेंस एंड बैंकिंग भागा। ओके, उस कंपनी के भी शेयर भागे थे। ओके, बट वो एक लौता शेयर है जो कि नहीं भाग पाया। और निफ्टी 50 का बहुत बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक है जो कि भागने की तैयारी में है, और वो अपने जो उनके कॉम्पिटिटर है उसे टक्कर देने के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि रेडी है। और कभी भी अब 52 वीक हाई को भी कभी भी अपने को टच कर सकता है, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी शेयर कर चुके हैं। तो उसी शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। जानेंगे उसके कुछ फंडामेंटल्स, उसकी फाइनेंशियल जानेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज एज वेल एज इसे बेल आइकन को हिट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपको शायद अच्छे ना लगे, तो देख लेते हैं। क्योंकि ये देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाना है बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव के साथ साथ। यहाँ है रिटर्न का ये पूरा प्रोफाइल, देखिए 1 डे नेगेटिव, 1 वीक 1 मंथ में पॉजिटिव है, 3 मंथ्स में देखिए नेगेटिव। ऑलमोस्ट सभी 5 साल तक इसे नेगेटिव दिया, बट लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स में 73% की रिटर्न दिया है। और हम मार्केट में 73% के रिटर्न 10 ईयर्स के लिए नहीं आए। आपको भी पता है कि 10 ईयर्स के लिए हम ये इस शेयर में आए नहीं है, बट कंपनी इतनी बेहतरीन है। कब जिस दिन भागेगी उस दिन आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी पेश करेगी। लो बीटे का शेयर है इसलिए बहुत स्लो स्लो भागता है, और बोनस बोनस तो 6 बार दे चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे थे, प्रमोटर्स के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 12.96% की हिस्सेदारी है, थोड़ी सी कम करी है उन्होंने। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है। और डोमेस्टिक DIS की बात करें तो 11.94 उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगभग 1% से बढ़ा ली है। और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास देखिए 43.50% के यहाँ पर शेयर है। देखिए, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी, DIS, म्यूचुअल फंड, सभी ने इस कंपनी में हिस्सेदारी रख रखी है। तो देखिए, उन्होंने रख रखी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इस कंपनी में हो गई। और इसके अलावा हम बात करें कि ये शेयर है क्या, कौन सा शेयर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए, चार्ट पैटर्न आपके सामने है। 1 डे का चार्ट पैटर्न देख लीजिए नेगेटिव, 5 डे का देख लीजिए नेगेटिव। थोड़ा सा बढ़ा है पिछले 5-6 दिन में। 1 मंथ का देख लीजिए, 166, मतलब 1 मंथ में तो इसने 15% के रिटर्न दिए ही है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बट अगर 6 मंथ की बात की जाए और बात की जाए ईयर टिल डेट की, अगर हम जनवरी से बात करें पैंडामिक से पहले, तो अच्छा खासा 250 के आसपास ये शेयर चल रहा था। 52 वीक हाई भी इसका 250 के जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और यहीं से ही शेयर गिरा है और अभी तक ये पार नहीं पा पाया है। और देखिए, इसी लेवल पर ये शेयर चलता आ रहा है, इसी लेवल पर ये शेयर चलता आ रहा है। अभी हम एक शेयर है उससे कंपेयर भी करेंगे इसे। और मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो देखिए, मैक्सिमम मैं बताना चाहता हूँ 16 रुपये का शेयर था, हमेशा ऊपर की तरफ ही। और हमारा हमें दे और आपको बताना चाहता हूँ कि ये लगभग 400 रुपीज़ के, 350 और 400 रुपीज़ के आसपास का शेयर था, जो कि अभी गिर के बहुत गिरा पड़ा है। अगर हम यहाँ पर बात भी की जाए, लगभग 42% के रिटर्न्स अभी नेगेटिव में चल रहा है, बट जिस दिन भागना शुरू करेगा, तो ये इसे पार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा, भागता हुआ नजर आएगा। और कभी भी इस कंपनी के पास इतने ज़्यादा रिजर्व्स है, कभी भी आपको बोनस भी दे सकती है, क्योंकि जिनके पास रिजर्व्स होते हैं वही बोनस देते हैं। तो देखिए, ईयर टिल डेट की बात करते हैं पहले हम। यहाँ पर देखिए, ये इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये शेयर चलता जा रहा है। बट और एक कम शेयर है, बजाज फिनसर्व, अगर इसकी भी हम बात करें ना, तो देखिए 6 मंथ देखिए लगभग, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये शेयर ना इसी कंसोलिडेशन फेज पे ये चलता आ रहा था। बट एक दिन ऐसा आया कि इसने जंप मारा और एक कितना 50% के रिटर्न देखिए 1 महीने के अंदर इसने दे दिए। तो इसलिए ही बताना चाहता हूँ कि ये शेयर भी उसी तरीके का शेयर है कि अभी देखिए इसी पैरामीटर पर चल रहा है, इसी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। बट जिस दिन भागना शुरू करेगा तो देखिए, 52 वीक हाई को तो क्रॉस तोड़े गई। 52 वीक हाई मतलब लगभग 14
20% के रिटर्न्स तो ये दे गई, बट जिस दिन भागना शुरू किया तो इसका जो मैक्सिमम हाई है ना उस 40-50% के यहाँ पर रिटर्न्स है। ओके यहाँ पर से ये भी आपको देते हुए कोई ताजुब नहीं आपको दिखेगा अगर ये इस तरीके से भागा। और कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम देखिए ITC, ITC कंपनी है। टी मतलब टबैको, टबैको की भी ये का भी ये बिजनेस करती है। FMCG का बहुत बेहतरीन शेयर है। अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ देखिए आशीर्वाद आटा मोस्टली सभी घरों में, सनफीस्ट बिस्किट सब खाते हैं, बिंगो सभी यूज़ करते हैं, यिप्पी देखिए मैगी के बाद यिप्पी को बहुत पसंद करते हैं लोग। बी नेचुरल यहाँ पर जूसेस, मिंट ओ देखिए, कैंडी मैन, गुमोन, फेबल देखिए, फेबल्स की अच्छी बेहतरीन चॉकलेट्स भी आती है। और मार्केट में ये इस बताना चाहता हूँ कि इन्होंने के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम चॉकलेट के बिजनेस में और उतरने वाले हैं, तो देखिए आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी बेहतरीन चॉकलेट्स आने को मिल जाएगी। तो सनबीन, सनफीस्ट, ITC, मास्टर शेफ, मतलब आप देखेंगे ना तो मोस्टली देखो परफ्यूम सब सेक्टर में ये काम करती है। फियामा आप यूज़ करते होंगे, सोप से आप यूज़ करते हैं, एंगेज का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, मतलब सब कौन से प्रोडक्ट में नहीं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स में ये काम करती है। A to Z प्रोडक्ट्स ये बनाती है, माचिस से लेके ओके सिगरेट से लेके FMCG और खाने पीने की चीज़ें सारी चीज़ों में ये बिजनेस बना रही है। अभी अभी तक इनका ITC जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा इशू जैसे कि लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका टबैको का बिजनेस है। ओके सिगरेट्स का इनका बिजनेस है क्योंकि देखिए इंडियन टोबैको कंपनी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टबैको से हटके, सिगरेट से हटके FMCG की तरफ अपने दूसरे प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स या दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन आपको शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और इसकी देखिए और भी बहुत सी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको। 52 वीक लो की बात करते हैं, 134-250 का इसका 52 वीक हाई है। 55% की देखिए कुछ डिलीवरीज उठाई गई है, यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें देखिए फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल देख लीजिए। स्टॉक में लार्ज कैप कंपनी है, 2,38,287 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और PE 17 है। ओके और सेक्टर का PE आपको 17 के PE पे मिल रहा है, जब मार्केट हाई है उस पर आपको 17 के PE पे मिल रहा है तो आपको उठाना चाहिए। ROCE की बात की जाए तो 32% की, 32% का यहाँ ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि बहुत काफ़ी बेहतरीन है। तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये शेयर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके सेल्स की बात की जाए तो देखिए सेल्स उसी पैरामीटर्स पे चल रहे हैं। देखिए 11,882 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर 2018 में थे, और तो सेप्टेम्बर की अभी की बात की जाए सेप्टेम्बर की तो अभी इस क्वार्टर में कितना 13,148 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स हुए, तो जो बेहतरीन है जो कि बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंस की बात की जाए तो देखिए एक्सपेंस भी उसी हिसाब से होता है, तो 8,747 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर आपको एक्सपेंस हुए, बट नेट प्रॉफिट की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी का यहाँ पर जहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनी के लॉस हो रहे हैं, इस कंपनी ने लगभग 33,68 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिखाया। और EPS की बात की जाए 2.74 रुपीज़ का यहाँ पर EPS भी है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो सेल्स देखिए यहाँ पर लगभग कितना यहाँ मार्च तक, मार्च में देख लेते हैं हम, तो लगभग 49,388 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स और 30,044 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहे हैं। रिजर्व्स की बात की जाए तो देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत बेहतरीन है। रिजर्व्स कितना है 57 करोड़, ओके मैं सॉरी 57,853 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स हैं, जो कि आपको घटते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, बट इतने बेहतरीन, इतने ज़्यादा इनके पास रिजर्व्स है कि कंपनी कभी भी आपको बोनस दे सकती है। 6 बार ऑलरेडी बोनस दे चुकी है। ओके और ये आपको 1-2 साल में शायद बोनस देती हुई नज़र भी आए। बोरिंग की बात की जाए तो जैसे कि बात की गई थी थोड़ी सी बोरिंग है, तो 291 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर बोरिंग है, तो रिजर्व ऑफ कैश इतना है इनके पास कि ये कभी भी अपनी बोरिंग को उतार सकते हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। पब्लिक की बात की जाए तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देख लेते हैं, टबाकू मैन्युफैक्चर कंपनी है, उनके पास लगभग 24% की हिस्सेदारी है। ओके मेडल्टन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसके पास 3% की, रैथमंस इंटरनेशनल के पास 1.26% की, ICICI प्रोडेंशियल यहाँ से निकल गया है, एग्जिट हो गया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोनस, तो कंपनी ने 6 बार बोनस दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं 6 बार भी नहीं 7 बार, सॉरी 7 बार बोनस दिया, और 2016 में लास्ट टाइम बोनस दिया था,
जैसे कि हिस्ट्री देख रहे हैं, 5 साल 5 साल, तो अभी दोबारा शायद 5 या 6 साल होने वाले हैं इस कंपनी को बोनस दिए, तो आपको अगली साल या अगले से अगली साल आपको बोनस भी देती हुई नजर आए ये कंपनी। देखिए रिटर्न, जैसे कि ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये कंपनी चली नहीं है। ओके, यहाँ पर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो इसी कंसोलिडेशन फेज पे 180 200 300 के आसपास ये कंपनी भाग रही है, जहाँ की दूसरी कंपनी है वो बहुत तेज भाग रही है, बट ये रह गई है। बट ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस दे दे के करोड़पति बनाती है, तो इसलिए ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए कैश एंड कैश बैंक बैलेंस की बात की जाए, तो जहाँ पर लास्ट ईयर 3768.73 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे, यहीं पर इनके कैश कितने हैं 6843.27 करोड़ रुपीज़ का। और करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं और लगभग 17,774.75.06202 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर लगभग 17,000 करोड़ के इनके पास इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है। तो हर तरीके से ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस शेयर की तरफ आप पर्सनली थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग, वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है। लोबीटा का स्टॉक है, स्लो स्लो चलता है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, कछुआ हमेशा जीतता है खरगोश से, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अभी भी बहुत नीचे चल रहा है, बट अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है कि ये शेयर बहुत तेज भाग सकता है, कभी भी पॉजिटिव बायस मतलब पॉजिटिविटी इस शेयर को देख के आती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।